बाकी दोस्तों मैं जो हूँ वो 3 दिन बाद फिर ब्लॉग बनाया है मैंने। तो यार अब जो है ना मैं तुम लोगों को बताता चलूँ एक बैड न्यूज़। तो यार किंग को हमने बंद कर दिया दोस्तों और अब हम खोल रहे हैं अपने सुल्तान को। तो यार सुल्तान से ना मुझे ऐसे बचना पड़ता। चलो 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 चलो। तो भाई छोटे डॉन और छोटी डॉन तुमने खाना खा लिया? देखो मैं खाना लाया और देखते कैसे आए मेरे पास, तुम्हें दे दिया मैंने। तो यार मैं इनको खुला छोड़ गया था दोस्तों और इनको ना तकरीबन आधा पौन घंटा हो गया, इनको मैंने वहाँ दाना डाल दिया था। देखें अच्छा खासा खा भी गए और इतने चलाक हैं कि बाजरा छोड़ देते हैं ये देखें, और जो इसके अंदर सारा वो दाना होता है ना जैसे कोई दाल वगैरह जितनी मैं डलवाता हूँ वो सारी खा जाते हैं। वो ये भी तो खाया करो हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो यार दोस्तों अभी सिर्फ और सिर्फ 4 बजे और आप मौसम देखें, धूप जा चुकी है। खैर से यार अजानें स्टार्ट हो गई हैं असर की, क्योंकि मौसम जो है ना वो हल्के हल्के आगे जाए जा रहा है और ठंड आने वाली है। तो नमाज का टाइम जो है चेंज हो गया है, असर की अजान जल्दी हो रही है। अब तो अजान हो जाए फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ, जब तक इन लोगों में दाना पानी करता हूँ। चलो भाई किंग अब तुम्हारी बारी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यार किंग तुम लोग देख रहे हो ना, किंग के साथ हमने मुर्गी डाली थी पर वो मुर्गी कहाँ गई? तो भाई मैं बताता चलूँ कि उस मुर्गी को हमने किंग से अलग कर दिया है। वजह ये है, आप किंग की देख सकते हैं गर्दन पे, देख रहे हैं ये देखें सारे बाल उधड़े हुए हैं। तो उस मुर्गी ने ना इसको गंजा कर दिया पूरे का पूरा, और उसको हमने अलग करके उस पिंजरे में उधर बंद कर दिया दूसरे खाने में। तो यार ये बाल बहुत खा रही थी और ये कैल्शियम की वजह से खाती हैं अक्सर मुर्गियाँ, तो इनकी आदत बन जाती है। तो इस वजह से ना किंग पूरी की पूरी जो किंग की खूबसूरती थी ना वो अच्छी खासी ख़राब कर देती है। पर हमने फिर भी अभी इसकी वापसी कलियाँ निकल ली हैं, फिर से इसके गर्दन पे पूरे बाल आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो ये सेट हो जाएगा। पर अगर हम इसके साथ रखते तो ये बेकार हो जाता। खैर से दोस्तों बात हम ये कर रहे थे कि यार सर्दी का मौसम आ गया है और जल्दी का टाइम हो गया सारा, तो ये लगा लो मुझे 3 बजे छत पर आना पड़ता है लाजमी शाम का खाना इनको देने के लिए। क्योंकि यार अगर मैं 3 बजे नहीं आऊँगा तो 6 बजे 6:30 बजे अभी मगरिब हो रही है, 6:30 या 7:45, और वो हल्के हल्के 6 और 6:45 तक पहुंच जाएगी कहानी जब सर्दियां अच्छी आ जाएंगी। बिल्कुल बोलते ना कि टाइट वाली सर्दियां आ जाएंगी तब जाके वो सारा हो जाएगा मामला जो भी होगा। तो इस वजह से मुझे अब इनको जल्दी खिलाना पड़ता है और जल्दी बंद करना पड़ता है। बाकी दोस्तों मैं जो हूँ वो 3 दिन बाद फिर ब्लॉग बनाया है मैंने। तो यार मैं ऐसे बीच बीच में गायब हो रहा हूँ, तुम लोग बोल लोगे पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं। तो इस वजह से दोस्तों एक तो मेरी तबीयत भी सेट नहीं थी, मैंने बताया था वो तो सेट हो गई, पर यार अभी जो मामला थे ना वो थे थोड़े से स्टडी इशू और बाकी भी कुछ प्राइवेट इशूज़ हैं जिनकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था माइंडली साफ बात, तो कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कम बना पा रहा था वीडियो। पहले 10 दिन का ब्रेक लेके हमने वीडियो स्टार्ट करी, बैक हुआ था मैं, फिर उसके बाद 4 दिन बाद आई, फिर अभी 3 दिन बाद आ रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंटिन्यूस करता रहूँ, पर थोड़ा सा अरसा है बस, ये मामला तो गुजर जाए, कुछ 1-2 चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह फिर हम कंटिन्यू इसको रखेंगे, तो ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं। तो यार अब जो है ना मैं तुम लोगों को बताता चलूँ एक बैड न्यूज़ जो कि हमें मिल चुकी है 2 दिन पहले ही, और वो ये है कि हमारे जो ये कबूतर है ना सेंटिनेंट, इन्होंने यार फिर से अंडे छोड़ दिए। हमने इसके नीचे एक इनका अपना अंडा रखा था और एक जो हमने बफ का अंडा रखा था, तो इन्होंने दोनों अंडे छोड़ दिए। वो देखें वो अंडा पड़ा हुआ है अभी भी, और ये सिर्फ अभी डांस करे जा रहे हैं, मैं दिखाऊँ तुम्हारे को। वो देखें दोस्तों वो देखें, इसने अंडा छोड़ दिया अपना, और ये वाला जो कबूतर है ना ये हमें हल्का सा यार बीमारी में लग रहा था तो इस वजह से ये तो बैठता ही नहीं है, और ये बैठ रही थी महारानी साहिबा तो इन्होंने भी छोड़ दिया। ये देखें अब ये गुटकती रहेंगी, तो यार बहुत इस चीज़ का दुख है। पर एक हमें फ़ायदा हो गया कि हमारी जो दोस्तों ये वाली कबूतरी है जो अपने अंडे कर रही थी अच्छे खासे इनक्यूबेट, तो इसी के नीचे हमने वो अंडा रख दिया है। अब देखते हैं यार ये अंडे कब तक इनक्यूबेट करती है और बच्चे निकालती है या नहीं, तो चेक करना है। हमज़ा और मैंने इसके नीचे अंडे तो रख दिए थे, हमज़ा बोल रहा है अब डेली हमें चेक करते रहना है कि हो सकता है बच्चे खुद ना निकाल पाएँ तो हमें निकालना पड़े, तो ये हमें सिर्फ इसकी केयर रखनी है अभी फ़िलहाल। अब देखते हैं कब बच्चे आते हैं यार हमारे पास, मेरा बड़ा दिल है यार बच्चों का। तो यार ये देखें दोस्तों सुल्तान जो है, ये देखें कैसा बेताब हो रहा है। इसको पता है क्या, खाने का कोई मसला नहीं है इतना, इसको खाने का मसला नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ किंग से जो है ना लड़ने की पड़ी हुई है। ये देखें किंग की वजह से ना ये इतना भराया हुआ है कि इसको बस खोल दूँ मैं और ये किंग से लड़ जाए। तो यार बड़ी केयर करनी पड़ती है भाई, अगर ये जिस दिन सामने सामने आ गए ना तबाही हो जाएगी यकीन जानो। खैर हमने तो यार लड़वाना नहीं है, हमने तो इनको पालने के लिए रखा हुआ है साफ बात। जल्दी जल्दी खाओ यार किंग। तो यार किंग को हमने बंद कर दिया दोस्तों और अब हम खोल रहे हैं अपने सुल्तान को। तो यार सुल्तान से ना मुझे ऐसे बचना पड़ता है। आ जाओ भाई ये पीछे लगता है इसलिए मैं ऐसे पीछे हटता हूँ, जल्दी से वरना मेरे पीछे लग के ना मुझे मारता है। खैर से यार इसकी बीवी आ गई है,
अब ये थोड़ा ना पोलाइट हो गया, उसने इसको शायद समझाया कि नहीं मारा करो भाई, ये मालिक है, अगर तुम इसको मारोगे तो ये हलाल करा देगा किसी दिन भी। तो मुझे ऐसा मजाक में फील होता है। खैर से यार दोस्तों, ये खा लें जल्दी से सुल्तान। और याद है मैंने तुम लोगों को पिछले ब्लॉग में बोला था कि सुल्तान की एक अपडेट दूंगा, तो यार सुल्तान को ना एक भाई हमसे ख़रीदना चाह रहे थे। भाई क्या मतलब, वो बच्चे हैं तो हमारे सब्सक्राइबर ही हैं, तो उन्होंने बोला था ख़रीदने का। वो आए थे एक मरतबा, देख के गए, फिर बोल रहे हम बताते हैं ये वो, उसके बाद वो नहीं आए। तो हो सकता है अगर उनका ख़रीदने का बना तो मैंने उन्हें हाँ तो कर दी थी कि भले आपको लेना हो तो ले लेना, क्योंकि उनका बड़ा दिल था, तो फिर मैं मना नहीं कर पाया। अब देखते हैं, अगर वो आए तो मैं तुम लोगों को बाकी अपडेट दूंगा, अगर वो आए तो ठीक है। तो यार ये देखें दोस्तों, मुझे ना सबसे अच्छी बात सुल्तान की यही लगती है, सुल्तान चाहे कितना गुस्से वाला है, कितना मुझे मारता है, पर इसकी सबसे अच्छी बात ये तमाम मुर्गों में मेरे पूरे सेटअप के, कि ये जो है ना अपना खाना बहुत साफ तरीके से साफ करता है और पूरा खाता है माशाल्लाह से। तो सुल्तान इस चीज़ में यार तुम दिल जीत लेते हो। मुझे ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं परिंदे जो अपना खाना पूरा खाएँ, जब तक ये खाएंगे नहीं, जब तक ये फेस सेट नहीं रहते। तो इस वजह से भाई चलें अब किसी और को खोलते हैं। और यार मगरिब होने वाली है थोड़ी ही देर में, क्योंकि टाइम ऐसे जा रहा है। तो यार मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता चलूं दोस्तों, चिंटू ने जो है ना ये देखो मुझे कितना गंदा काटा है, ये देखो ये ऊपर दिख रहा तुम लोगों को निशान, ये मेरे पहले का लगा हुआ और इसी पे इसने डायरेक्ट चोंच मारी, इतना गंदा काट रहा है। और ये रहा चिंटू, ये देखें फिर से हमला कर रहा है, ये पता नहीं क्या हो गया इसको यार, काटना कहाँ से सीख गया, ये क्यों काट रहे हो यार चिंटू, ये देखें। ये तो अभी खैर खाने के लिए समझ रहा है, लेकिन मैं अंदर हाथ डालता हूँ ना तो भाई बाकायदा काट रहा है यार, पिंजरे में भी है। तो इनको यार मुझे खुला रखना, ये देखें अपने पार्टनर को भी मारता है वो, चीखा ना फौरन, अपने पार्टनर को भी मारता है ये उसे। खैर से यार देखते हैं थोड़े बड़े हों, वैसे मुझे तो यार ये जोड़ा ही लग रहा है, अगर ये मेल निकल आया तो बहुत अच्छी बात है यार, और मुझे मेल ही लग रहा है ये जो है मुर्गा ही निकलेगा इंशाल्लाह, और वो जो है वो तो वैसी मुर्गी है, उसका तो कन्फर्म हो रहा है। बाकी दोस्तों टाइगर को हमने खुला, वो जल्दी से खा लें बस, बाकी सबको हमने खिलाफ लेके फारिग कर दिया है। और मगरिब से पहले आज मैंने सबको खिला दिया, आपके भाई ने सारों को पूरा कर दिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार। खैर से बाकी यार जो मैंने तुम लोगों को अपडेट्स दी थी ना, यहाँ पे कुछ बनाना है और वहाँ पे कुछ, तो सारी चीज़ें हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो उस वजह से मैं थोड़ा रुका हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है यार सारी चीज़ें फ्री में तो होंगी नहीं, पैसों से होंगी, तो मैं उन चक्करों में लगा हुआ था। तो इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द मैं तुम लोगों को बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें बना के दिखाऊंगा और साथ ही रहेंगे। बस तुम लोगों ने एक काम करना है यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को लाजमी। तो दोस्तों आखिरी जो है हमने वो इसको खोल दिया है और इसको खोल दिया है, हमारे पास सबसे बड़े जो हैं हमारे लियो यार, इसका नाम लियो मुझे सजेस्ट हुआ था, मैंने तुम लोगों को बोला था, लेकिन मेरी खुद की भी बहुत बड़ी गलती है कि मैं 4-5 दिन बाद व्लॉग बनाता हूँ, इसलिए सॉरी। तो खैर से भाई इसका नाम ना काफ़ी लोगों ने बोला था लियो शायद मेरे हिसाब से, तो कमेंट में तुम लोग बताओ कि लियो अच्छा लग रहा है या कुछ और चेंज कर दें, तो खैर से बता देना मुझे लाजमी कमेंट में। बाकी दोस्तों कैसे लगी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल रमेश शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। और एक और चीज़ यार कि इनके अंडों का अब हमने इंतज़ार करना है बच्चों का, ओए अंडा तो पूरा लो यार, वो देखो यार एक अंडा बाहर निकला हुआ है, 3 अंडे ना जब ही नहीं रखते हम कबूतरों में। चलो वेट करते हैं, देखते हैं यार कि क्या बच्चे आते हैं हमारे पास या नहीं। लॉन्ग लास्ट पिट।